यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे जी, पुणे से। किरण जी आपका स्वागत है आखिरी सौदा में। हफ्ते का पहला दिन और ऑटो स्पेस में काफ़ी गहरे लाल निशान। अशोक लेलैंड पर अपनी राय दीजिए, 6% नीचे स्टॉक ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक लगभग 5.25% बढ़ा हुआ है। काफ़ी बिकवाली भारी होती हुई दिख रही है स्टॉक पर। बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप जी, शैल जी। जिस तरीके से अशोक लेलैंड ने जो पिछला स्विंग बॉटम था वो वायलेट किया है और वो लेवल था करीबन 65 का, आज काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उसके नीचे ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से और डाउनसाइड बिल्कुल देखने को मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट में अगर इन लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या इधर से और थोड़ी सी मंदी हावी होती नजर आती है तो वापस एक बार 59-58 के लेवल आपको देखने को मिल जाने चाहिए। सारे शॉर्ट पोजिशन के लिए मेरा स्टॉप लॉस 55-50 का रहेगा। किरण, आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं, खासतौर पे जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, इन दो दिग्गजों में इस समय गिरावट बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये एक सेक्टर है जहाँ पे कोई खास अपमूव नहीं दिखता है, छोटा सा अपमूव के बाद बड़ा डाउनमूव देखने को मिल रहा है और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी ऐसा ही कुछ रुझान है। तो मेरा मानना है कि इधर भी कोई लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाने चाहिए, आपको शॉर्ट पोजिशंस ही लेने चाहिए। शॉर्ट पोजिशंस के लिए मेरा अभी स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 217 का और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 205 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है शॉर्ट टर्म में। अगर ये सपोर्ट निकल जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बहुत नीचे है, करीबन 180 के करीब। तो आते हुए दिनों में ये एक सेक्टर रहेगा जहां पे आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए। टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील में भी ऐसा ही कुछ रुझान है, इधर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निगोशिएट करते नजर आ रहा है। पिछला स्विंग बॉटम एवरेज रेट 328-329 का था, अभी 326 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये भी सपोर्ट वैसे टूट गया है और ये एक बार परसों के लोज जो कि करीबन 322 के है वो निकल जाए तो उसके बाद के नेक्स्ट सपोर्ट्स आते हैं 272 के करीब। तो काफी बड़ा डाउनसाइड करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशंस तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। आपके सामने अभी लंबी अवधि का चार्ट दिखेगा, किरण जी दोबारा अपनी राय देंगे। किरण जी, क्या राय रख रहे हैं आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर? 9 दिन की गिरावट के बाद आज एक बहुत अच्छा गहरा निशान। शैल जी, ये स्टॉक सिलेक्ट करने का क्रेडिट आपको है, आपने सिलेक्ट किया था, मैंने सिर्फ उसका एनालिसिस किया था। शैल जी, आपने परफेक्ट पिक किया था। 1055 का अभी स्टॉप लॉस रहना चाहिए या 1052 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और आपको कल तक के लिए टारगेट्स, यानी बुधवार के लिए टारगेट्स 1092 के करीब देखने को मिल जाने चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल रखने चाहिए स्टॉक में। किरण जी, ये सब आप ही का किया धरा है, मैंने तो सिर्फ स्टॉक का नाम लिया था। देखिए, जैसे ही आपने बाय कॉल दी वहां से बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगा, तो इसका श्रेय आप ही को जाता है। 2% आपके कहने के बाद बढ़ा और वॉल्यूम आज बहुत अच्छा है फ्यूचर्स मार्केट्स में, कल के मुकाबले दुगना हो चुका है, ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक बढ़ रहा है। तो ये ट्रेड शायद लंबी अवधि के लिए जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने गिरावट देखी उसका जो वापस बाउंस बैक होगा वो शायद और ऊंचे लेवल पे हो। किरण जी, आप देर में जुड़े, हम लोगों ने निफ्टी डिस्कस किया काफी, बताइए आप क्या राय रख रहे हैं? फिलहाल 50% जो हमने रैली देखी थी उस फ्राइडे और मंडे को वो खत्म हो चुकी, 500 से लगभग पॉइंट ये इंडेक्स करेक्ट कर चुका जो हमने मंडे की हाई देखी थी 2 हफ्ते पहले। देखिए, सवेरे भी हमने डिस्कस किया और मैंने पीसीआर को एक चार्ट भेजा है, अगर वो डिस्प्ले हो सकते तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसके बारे में मैं और प्रदीप जी ने कई बार डिस्कस किया है वो दिखाया हुआ है और वो लेवल से 11,100 वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो तोड़ दिया था हमने और वो वापस रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। और जो हमने रैली देखी निफ्टी में करीबन 10,700 से लेके करीबन 11,700, तो ये एक 1,000 पॉइंट की रैली देखी, उसका रिट्रेसमेंट बिल्कुल इन्हीं लेवल्स के करीब आता है, 11,120-150 के करीब आता है। तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, थर्ड लेवल ऑफ करेक्शन है और थर्ड लेवल ऑफ करेक्शन जब अटेन होता है तो उसका स्पीड जो है, जो राइजिंग का स्पीड है वो थोड़ा सा थम जाता है, पर ये 45 डिग्री में अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि वो अगर थियरी इंप्लीमेंट करते हैं तो मेरा मानना है कि आज का जो लोज है 11,000 राउंड फिगर्स में 11,100 उसके नीचे आपके स्टॉप लॉसेस होने चाहिए
और लॉन्ग पोजिशंस एक्यूमुलेट करने चाहिए एकदम से इसको नहीं, डायरेक्ट क्योंकि बोल के ना 45% डिग्री से अगर ये ऊपर चलने वाला है तो धीमे धीमे आपको मोमेंटम गैदर होता नजर आ जाना चाहिए। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू रखना चाहिए और आते दिनों में वापस एक बार 11,400 का टारगेट मान के चलना चाहिए। एक स्टॉक आपका बड़ा फेवरेट है जहां पे आपने अक्सर शॉर्ट कॉल दी है, वो है क्यूमिंस। लगभग आज 9 दिन इसमें लाल निशान दिखा है आपको, पिछले पूरे हफ्ते और उससे पहले भी। फिलहाल आपके सामने स्टॉक 550 रुपये से ठीक ठाक बाउंस बैक ले रहा है। इस बाउंस बैक को आप बेचेंगे? इस बाउंस बैक को भी बेचना चाहिए, इसने एक बहुत बड़ा बुल ट्रैप किया था जब ये एक्सटर्नल न्यूज फैक्टर की वजह से, और इसके चलते मेरा मानना है कि बेस्ट केस सिनेरियो में ये बाउंस बैक 585 तक चल सकता है। अभी 566 पे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा सा और अपसाइड है, पर उन अपसाइड को मैं बेचने के लिए ही सलाह दूंगा। काफी खराब चार्ट पैटर्न है, 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अगर ये वो लोज तोड़ देता है तो मेरा मानना है ये 500 के निचले स्तर इस स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए इवेंचुअली, इमीजिएट नहीं। पर मेरा मानना है चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, इसमें कोई तेजी नहीं करनी चाहिए जब तक एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। किरण जी, हम लोग हर टेक्निकल दिग्गज से एक स्टॉक के बारे में राय ले रहे हैं, वो है यस बैंक। आज भी इसमें 9% आपने तेजी देखी और जब से इसमें रैली शुरू हुई है 50% का इजाफा हो चुका। आप क्या राय रख रहे हैं यस बैंक पर फिलहाल? नहीं देखिए, इसमें तो इन्वेस्टमेंट का नजरिया नहीं रखना चाहिए, ऐसा ही मेरा मानना है, और ये एक पुल बैक रैली के तौर पे देखना चाहिए। पर अगर किसके पास है तो ये जो पुल बैक रैली है कहाँ तक जा सकती है इसका जायजा लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा मानना है कि बेस्ट केस सिनेरियो जो फॉरिंग ट्रेंड लाइन वैल्यू है अभी के लिए करीबन 53-54 है, वो टेस्ट हो सकते हैं, तो इधर से और एक 10 रुपए की गुंजाइश देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करीबन 41 के लेवल्स पे है, तो 41 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस रखने, लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। 41 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, आपको 53-54 तक के लेवल यस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। यह कॉल किरण जी की ओर से, तो यहाँ पर एक बुलिश कॉल। आप 10 रुपए की बात कर रहे हैं शैल जी, दरअसल किरण यहाँ पे, लेकिन इस समय इस लेवल से अगर आप गिरे तो 10 रुपए का मतलब 20% होता है। जी, मैं ये बस पूछना चाह रहा था कि क्या ये डेड कैट बाउंस है जो अक्सर स्टॉक्स में देखने को मिलता है, कि भाई बहुत जबरदस्त जो सेलिंग प्रेशर था वो एकदम वॉल्व रिलीज हुआ, वहां से दोबारा बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई और एक लेवल पर वो फिर जो हवा भरी थी एकदम फुस हो गई। तो वो डेड कैट बाउंस क्या आपको दिख रहा है किरण जी इस स्टॉक पे, या आपको राय लगती है कि ये और ऊपर तक जाएगा? ये डेड कैट बाउंस ही है, पर इस डेड कैट बाउंस में मुझे लगता है कि एक बार इधर से जैसे प्रदीप जी ने कहा 20% मूव, 50-53 लेवल्स तक ये चलना चाहिए डेड कैट बाउंस, क्योंकि हमने फॉल भी इतना जोर से देखना है, देखने को मिला है ऊपर से, तो उसका बाउंस भी थोड़ा सा एक अच्छा वर्टिकल रैली देखने को मिल सकता है। तो इधर से और 20% राइस की गुंजाइश है, 10 रुपए की मूव एक्सपेक्टेड है, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ऊपर चल सकते हैं उतना चलना चाहिए। ये जो मैं 53-55 की लेवल की बात कर रहा हूँ, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है वो सारे टॉप्स अगर ज्वाइन करते हैं जुलाई 2019 से तो वो लेवल आती है। असिस्टेंट में अचानक बहुत तेजी से वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप इंट्राडे मूव डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर लेकर आए इस स्टॉक का तो आप देख सकते हैं हमारे बात करते करते इसने दिन का नया हाई भी छुआ है और 580 के उस लेवल को जिसकी बात सुमित कर रहे थे पार करने की पूरी मशक्कत कर रहा है। किरण, आपकी भी नजर है क्या इस चार्ट पे? परसिस्टेंट में मेरा मानना है कि बिल्कुल एक चार्ट पैटर्न अच्छा है, इधर से अपसाइड ही देखने को मिल जानी चाहिए। इधर आपके लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस 553 का रहेगा और टारगेट्स मेरा मानना है कि ये पोजिशनल व्यू रखना चाहिए, 625-630 के लेवल आपको देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, पर्सिस्टेंट का इंट्राडे हाई आपको प्रदीप जी ने पकड़ के दिखाया और ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरीके से हमारे डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं आपको चार्ट्स पर। किरण जी, ये प्रश्न आपके लिए, डाबर 200 DMA, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बाकी आपकी तरफ। मेरा मानना है कि डाबर में लॉन्ग पोजीशंस ही करने चाहिए, हमने सवेरे भी बात की FMCG काउंटर्स जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये भी एक काउंटर है जहां पे एक अंडर करंट अच्छा देखने को मिल रहा है दिन भर, थोड़े से वॉल्यूम की कमतरता है पर मेरा मानना है आज के दिन में, पर मेरा मानना है कि ये अपसाइड देखने को जरूर मिल जानी चाहिए।
427 के करीब का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। पोजिशनल हिसाब से 440-444 के टारगेट्स आपको 2-3 दिन में देखने को मिल जाने चाहिए। किरण जी, लाल पैथ लैब में भी मौका दे रहा है शायद ये स्टॉक, ठीक ठाक करेक्शन के बाद 1470 का इसने हाई देखा और अब इसमें एक अच्छी गिरावट के बाद आपको 1335 का प्राइस दिख रहा है। बहुत ही अच्छा एक्टिव काउंटर है हाई बीटा, आप क्या राय रखेंगे इस पर? नहीं, मेरा मानना है कि इधर लॉन्ग पोजीशन ही करने चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन आए तो एक एडवांटेज होगा कि आपको नीचे में खरीदना है और करके खरीदने को मिलेगा। अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं इस स्टॉक का, तो ये जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो करीबन 1315 के करीब है, 1333 के करीब मिलता है। इधर से 1315 तक आप एक्यूमुलेट करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस 1290 रखना चाहिए और पोजिशनली आपको लॉन्ग पोजिशन रखने चाहिए। मुझे लगता है जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा है, आपको 1500 के ऊपर के लेवल्स जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा इसके लिए। किरण जी, ये प्रश्न आपके लिए है, बात करेंगे बायोकॉन पर। इस एक्सपायरी को लगभग 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं और सिर्फ एक ही ऐसा एफएनओ स्टॉक है फार्मा स्पेस में जो ऊपर है लगभग 5%। आप बायोकॉन पर क्या नज़र रखते हैं और किस हिसाब से ट्रेड करेंगे? अभी हमारे डायरेक्टर साहब आपको इसकी एक लंबी अवधि की चार्ट दिखाएंगे। देखिए, इस चार्ट में अभी के लिए तो एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनता नजर आ रहा है। 213 ऑन द लोअर साइड एक अच्छा बेस है और 240 एक रेजिस्टेंस है। इसके बीच कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वर्क देना चाहिए स्टॉक को। और एक बार ये 240 का लेवल क्रॉस कर दे तब इसमें बाइंग आ जानी चाहिए। तो 270 फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे और फिर मैं बात करूंगा करीबन 290-300 के लेवल्स की। तो ये बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन जितना लंबा चलेगा उतना अच्छा रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसमें करीबन 215 के करीब है, इसके नीचे आपको देखना है। तो सारे जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 210 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे मैंने कहा 240 के ऊपर मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा जी। चलिए, ये तो आपने राय दी बायोकॉन पर। एक और स्टॉक पर मैं आपकी राय चाहूंगा, ये भी NMDC है, बहुत ही ठीक ठाक प्राइस पॉइंट और बहुत अच्छी डिविडेंड डील्ड, कब लगभग 92.60 रुपये के आसपास चल रहा है ये फ्यूचर्स मार्केट्स में। और ये भी कुछ गिने चुने 10-12 शेयर्स में है जो इस हफ्ते या पिछले 2 हफ्ते से हरे निशान में है अक्टूबर की एक्सपायरी में। किस हिसाब से आप NMDC को ट्रेड करना चाहेंगे? आज ये लगभग 3.5% नीचे है। देखिए, NMDC में भी एक अच्छा खासा अपमूव हमने देखने को मिला, पर उधर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। पर ट्रेंड अभी भी पिछले 1.5 महीने का देखते हैं तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी भी होल्ड करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस करीबन 89-88 लेवल्स पे रहेगा, लॉन्ग पोजिशन ही रखनी चाहिए। और इसमें बड़ा ट्रैक्शन आपको राउंड फिगर क्रॉस करने पे ही आएगा। 100 रुपए का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये एक बार क्रॉस कर देंगे इसके बाद एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इंडसइंड बैंक के लिए भी कुछ ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ये दूसरा बैंकिंग स्टॉक है जहां पर हम ठीक वैसा ही प्रेशर आते हुए देख रहे हैं पिछले 1.5-2 घंटे में जैसे कोटक पे? हाँ बिल्कुल, पर इंडसइंड बैंक का चार्ट पैटर्न खराब है। मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस नहीं लेने चाहिए इधर। इधर आपका अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1260 का, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। और एक अच्छा बेस 1190 के करीब देखने को मिल रहा है जो इमीडिएट सपोर्ट है, पर ये एक बार 1190 टूट जाए तो फिर बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और फिर नेक्स्ट सपोर्ट बहुत नजदीक नहीं है, करीबन 1040-1030 के करीब देखने को मिलेंगे। तो काफी बड़ा डाउनसाइड है करंट लेवल से, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेयर्स के लिए ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। 3 बज चुके, बचे हुए 1/2 घंटे के लिए आप कौन सा एक ट्रेड लेंगे और ये बताइए कि विजयदशमी पिक आपकी कौन सी होगी? किरण जी, देखिए, पहले तो ट्रेड एट 3 जो सबसे अच्छा चार्ट जो बेचने के लायक है वो है रैमको सीमेंट। सारे सीमेंट काउंटर्स बहुत खराब देखने को मिल रहे हैं और उसके चलते रैमको सीमेंट ने एक बहुत अच्छा बेस था मल्टीपल बॉटम का, वो आज तोड़ दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मेरा मानना है रैमको सीमेंट बेचना चाहिए। आज के लिए टारगेट 686 और 682 के देखने को मिल जाने चाहिए। पर अगर आप रैमको सीमेंट्स को अगर हम 3-4 दिन देते हैं तो मेरा मानना है कि 660 के लेवल्स कैजुअली देखने को मिल जाने चाहिए। इस शॉर्ट ट्रेड के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 703 का। किरण जी, अब आपकी विजयदशमी पिक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ लॉन्ग साइड पर होगी। विजयदशमी बिल्कुल लॉन्ग साइड पे ही है और वो है कोलगेट। मेरा मानना है कि कोलगेट को बाय करके चलना चाहिए इधर विजयदशमी के अवसर पे और 1 साल का नजरिया रखना चाहिए।
और जिस तरीके से आपको एक अपमूव देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि 1400 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए ऑन द लोअर साइड 1800 लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। मेरा टारगेट बहुत मॉडेस्ट है, पर मेरा मानना है कि ये टारगेट्स कैजुअली अचीव होगा, उसके ऊपर बहुत बहुत ऊपर देखने को मिल जाना चाहिए 1 साल के नजरिए से। किरण आप नजर डालिए, सुबह जब यहाँ पे खबर आई थी कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक ने, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आज ये अकेले अपने दम पे बाजार को खींचेगा और उसने खींचा भी, लेकिन अब ये घूम रहा है और यही वजह है कि निफ्टी बैंक में अब केवल 10 अंकों की बढ़त बाकी बची है। क्या कॉल देते हैं आप एचडीएफसी बैंक पे? देखिए, एचडीएफसी बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। जो गैप है उसके, जो गैप छोड़ा था जब ऊपर भागते हुए 20 तारीख को, 20 और 23 तारीख को, तो उसके बिल्कुल लोअर एंड पे है। तो मेरा मानना है कि आपका सारे लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1190 का रखना चाहिए। मैं फ्यूचर लेवल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेरा मानना है कि अभी 5 रुपए है उसके ऊपर है, तो मेरा मानना है होल्ड करने चाहिए और 5 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो वापस एक बार 1240 1250 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। पर प्रदीप जी, मैंने सवेरे ना एक कॉल दिया था और जोरदार कॉल दिया था, एग्रेसिव कॉल दिया था, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, वो चलता ही नजर आ रहा है। तो मेरा मानना है कि जहां पे मैंने 1400 के टारगेट दिए थे वो जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि जिसने इसमें डिलीवरी बेची नहीं है बिल्कुल बेच के चलना चाहिए। इधर काफी बड़ा डाउनसाइड देखने को मिल जाना चाहिए। पहले प्रिलिमिनरी टारगेट्स 1400 हो गए, उसके नीचे के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल जाने चाहिए। और अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस 1520 का रखना चाहिए, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे रहेगा। मैंने परसों ये कॉल दिया था करीबन 1675 के करीब, और मैं ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और मेरी सलाह भी यही है कि आप सारे दर्शकों को कि ये शॉर्ट पोजिशंस रखनी चाहिए। किरण जी, जरा BHEL पर ध्यान दीजिए। बहुत ही बुरा माहौल और दिसंबर 2004 का लो इस स्टॉक ने अभी लगाया है। लगातार 6 दिन से ये स्टॉक गिरे जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम अब इसमें बढ़ चुका है। क्या राय रखते हैं आप BHEL पर? इस पर कोई शॉर्ट सजेस्ट करेंगे इस लेवल पर? इस लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर इसका ब्रेकडाउन वैल्यू 60 के करीब था और उसके बाद इसने एक बार भी मुड़के नहीं देखा। छोटे से 3 रुपए 2 रुपए के अपमूव्स देखने को मिले और 5-5 रुपए के डाउनसाइड्स देखने को मिल रहे हैं, और 5 मिनिमम 10 रुपए के डाउनफॉल देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट सपोर्ट जो मेरे चार्ट पे नजर आ रहा है वो है करीबन 37 का, और दूसरा रहेगा करीबन 32। ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए कि इधर कोई क्या बोलते हैं, बाइंग करनी नहीं चाहिए। ये एक फॉलिंग नाइफ है, इसको कैच करने की कोशिश ना करें। जी, कोई आपको ऐसा स्टॉक लग रहा हो इस हफ्ते लॉन्ग साइड पर आप बनाकर चलेंगे पोजीशन FNO में कोलगेट के अलावा? कोलगेट के अलावा दो तीन काउंटर्स है जहां पे बर्जर पेंट्स की बात सवेरे हो रही थी, उधर एक अच्छा अपमूव देखने को जी मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर एक अच्छी पोजीशन बनती नजर आ रही है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है। दूसरा रहेगा करीबन अपोलो हॉस्पिटल, इधर भी एक मुझे लगता है कि एक अपमूव बनती नजर आ जानी चाहिए। करंट लेवल से एक अच्छा कंसोलिडेशन मूव देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर अपोलो हॉस्पिटल्स में आपका स्टॉप लॉस 1400 का रहेगा पोजिशनल हिसाब से, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ कि 1470 1480 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। पर अभी भी कन्विक्शन लॉन्ग साइड पे बहुत कम है, क्योंकि हम वापस एक बार 11100 के लेवल्स वापस एक बार टेस्ट करने नजर आ रहे हैं। के बाद एक जो स्टॉक कमजोर हो रहे हैं, अगर उनके बीच से आप देखें कुछ ऐसे शेयर्स जहां पे एक नया ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, तो किरण एक स्टॉक पे मेरी नजर है, वो है NCC। दोपहर में 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में हमने यहाँ पर एक सेल का कॉल लिया था, और आज अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन अपने 52 वीक लोस के तरफ जाता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। टेक्निकली वो लेवल नहीं बनाए, लेकिन पिछले कई महीनों के लोस जिसने दरअसल तोड़े हैं, तो ऐसा लग रहा था कि एक जगह कहीं अटकेगा, वो सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है, सेल कॉल बनेगा इसमें? नहीं, बिल्कुल बनेगा प्रदीप जी। इधर स्टॉप लॉस 5150 का रहेगा, आपको शॉर्ट पोजीशंस अभी भी बनाने चाहिए। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो करीबन आता है 37-38 लेवल्स के करीब, तो ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए। इधर से 10 रुपए का फॉल है, पर इमीडिएट नहीं होगा, अगले 1-1.5 हफ्ते में स्प्रेड आउट होगा। अब करीब 5-5.5% के आसपास का नुकसान देखने को मिलेगा। एक नजर इस चार्ट पे भी डालिए, जो मंदी की पोजीशंस बनी हुई हैं सुबह से, क्या आप होल्ड करने की राय देंगे इस समय? किरण, आपके लिहाज से क्या लेवल्स बनेंगे? मुझे सुनाई नहीं दिया क्वेश्चन। आईबुल हाउसिंग की बात कर रहे हैं हम।
आईबुल हाउसिंग वीक चार्ट स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिला, पर शॉर्ट पोजिशन ही रखने की सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 240 के करीब, और ये बड़ा वोलेटाइल काउंटर है तो आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पर टारगेट्स भी ऐसे ही रहेंगे। करीबन आपको अगर हम एक हफ्ता का वक्त देते हैं तो आपको करीबन 190-180 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। किरण जी, एकदम एक्सिस बैंक पर नजर दिखाइए डालिए, लगभग 10 रुपए बढ़ा है ये पिछले 20 मिनट में। क्या राय रखते हैं आज, चार दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर चलता हुआ और हरे निशान में? ये एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है 640-645 के करीब, और इस बेस बिल्डिंग में एक रेंज तय हो चुकी है 690 ऑन द हायर साइड, 640-645 ऑन द लोअर साइड, तो ये रेंज हमें ट्रेड कर रहा है। पर मेरा मानना है कि अंडर करंट इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। अभी अगर कोई लॉन्ग पोजिशन लेता है बीटीएसटी के तौर पे, तो आपका स्टॉप लॉस 664 पे रहेगा, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और टारगेट 686 के देखने को मिल जाने चाहिए, वो पहला टारगेट रहेगा, दूसरा 690 का रहेगा। किरण जी, एकाध और कोई बैंक पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए, आपने बात करी एचडीएफसी बैंक पर, वो एक बहुत ही नाजुक मुकाम पर खड़ा हुआ है, कोई ऐसा बैंक जो आपको लॉन्ग साइड पे पसंद आता हो पब्लिक सेक्टर स्पेस में या प्राइवेट सेक्टर स्पेस में? अभी के लिए तो मैं न्यूट्रल हूँ बैंकिंग के ऊपर, पर एसबीआई की बात करें पीएससी बैंक्स में, तो मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न कोई अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि सपोर्ट्स पे है, 247-246 एक अच्छा सपोर्ट है, पर मुझे मालूम नहीं ये होल्ड करेगा नहीं, जिस तरीके से मार्केट की गिरावट बढ़ती नजर आ रही है। सारे सीमेंट काउंटर्स में बहुत अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है, बैंकिंग में बिकवाली देखने को मिल रही है, और आईटी में भी थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि बैंकिंग में भी अभी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि जल्दबाजी करे। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एक बहुत अच्छे काउंटर्स रहेंगे, पर एचडीएफसी बैंक ने भी जो मैंने एक लेवल कहा था उसके नीचे ट्रेड करना चालू कर दिया है, तो मेरा मानना उधर भी थोड़ा सा कन्विक्शन लो ही होता नजर आ रहा है। तो अभी के लिए मैं वेट एंड वॉच पॉलिसी रखूंगा, मैं देखूंगा कि एचडीएफसी बैंक अगर आज की क्लोजिंग 1190 के नीचे होती है तो थोड़ा सा वीकनेस बुधवार पे देखने को मिलेगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो एचडीएफसी बैंक में आ रहा है वो करीबन बहुत नीचे है, और वो है करीबन 1160 का। तो अगर 1160 एचडीएफसी बैंक देता है तो फिर आईसीआईसीआई बैंक, बाकी के बैंक्स काफी पिटते नजर आ जाने चाहिए। जी किरण जी, आप वापस निफ्टी पर नजर डालिए, दिन के बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर पहुंचता हुआ, जो शुरुआती लो था 11,117 का अभी आपके सामने आ ही जाएगा, देखिए 11,119 चल रहा है, बचे हुए हैं 15 मिनट, आप निफ्टी में क्या पोजीशन लेना चाहेंगे इस एक्सपायरी के लिए, वीकली एक्सपायरी के लिए जो अब सिर्फ 2 दिन परे है? शेल जी, ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी है और आप पूछ रहे हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट है। पर मेरा मानना है कि अभी के लिए तो वीकनेस ही देखने को मिल रहा है, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए, करीबन शॉर्ट पोजीशंस लेने चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 11,200 का, और 11,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए इस एक्सपायरी के लिए, तो इस वीकली एक्सपायरी के लिए, क्योंकि आपको बैंकिंग नीचे देखने को मिल रहा है अभी लास्ट मिनट पे, आपको स्टील सेक्टर नीचे देखने को मिल रहा है, फार्मा नीचे है, और सीमेंट नीचे है, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे मैं एफएमसी छोड़ के कि जहां पे एक कन्विक्शन बन के नजर आ रहा है, तो सारे के सारे सेक्टर्स वीक है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा और 100 पॉइंट इधर से निचले स्तर देखने को मिल जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप देखिए, कुछ एक दिग्गज जो दरअसल इसके पीछे जिम्मेदार है, एचडीएफसी बैंक की तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आप दो और दिग्गजों पर नजर डालिए, एक है टीसीएस वजन के लिहाज से, दूसरा स्टॉक है आईटीसी। ये दो और चार्ट हैं जो आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए डायरेक्टर साहब। टीसीएस लेकर आइएगा, ये देखिए कैसे तेजी से गिरता हुआ दिन के लोस पे, और दूसरा है आईटीसी, वो चार्ट भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। किरण, आप इन दोनों चार्ट पर नजर डालिए, क्या व्यू है आपका इन दोनों दिग्गजों पर, आईटीसी और टीसीएस? आईटीसी पे पहले बात करते हैं। आईटीसी पे मेरा मानना है कि जो एक अच्छी पुलबैक देखने को मिली थी 235 से 265 पे, वो खत्म हो चुकी है, और वापस एक बार यूटर्न लिया है स्टॉक ने। मेरा मानना है कि ये करीबन अच्छा सपोर्ट 247 है, वो टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए, तो इधर नए पोजीशंस नहीं लेने चाहिए, पर 247 के करीब आपको फ्रेश पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस। जहां पे टीसीएस की बात है, टीसीएस में मेरा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर वीक है,
एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी थी 2290 2300 से सीधा हमने 2050 तक देखने को मिली थी। उधर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 2100 पे देखने को मिल रहा है। तो इधर 60 रुपए ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 2110 का स्टॉप लॉस रहेगा, शॉर्ट पोजिशन लेने की सलाह है। और फिर मेरा मानना है कि आपको ये चार्ट जो पैटर्न है वो करीबन 1990 और 1960 65 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए, आपको शॉर्ट पोजीशंस लेके चलने चाहिए टीसीएस में। एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ। फिलहाल आपके सामने येस बैंक है, लेकिन आप एक्सिस बैंक की चार्ट पर देखिए। किरण जी ने जो बाय कॉल दिया था वो 674 के आसपास दिया था करीब 3-4 मिनट पहले, और आप देखिए क्या ज़बरदस्त आपके सामने एक ब्रेकआउट आया है। ये देखिए एक हरा निशान और उसके साथ वॉल्यूम भी आपके साथ आता हुआ 4 दिन की गिरावट के बाद बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने। किरण जी, कोई आप स्टॉप लॉस ट्रेड करेंगे ट्रेल करेंगे या फिलहाल वही बरकरार रहेगा? नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी आप ही की पिक थी, 671 का अभी स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि ये नेक्स्ट लेवल है वो करीबन साइकोलॉजिकल लेवल है 700 का, तो 700 के ऊपर के आसपास आपको देखने को मिल जाना चाहिए आपको 1 से 2 दिनों में। तो इधर एक लॉन्ग पोजिशन बनाने चाहिए 691 699 के टारगेट्स के लिए। तो किरण जी, स्टील नीचे है, सीमेंट नीचे है, फार्मा नीचे है, आईटी में कोई खास मूवमेंट नहीं, तो फिर हम मायूस ही रहे निफ्टी के हिसाब से? बोल रहा हूँ कि मेरा मानना है कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा था कि जिस तरीके से हमने पहले 20 मिनट में एक बॉटम बना के वापस एक बार अच्छा उछाल दिया था, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए था। और 11250 क्रॉस करने करके 300 के ओवर बढ़ते नजर आ जाने चाहिए, पर शायद ये एक छुट्टी का दिन है, वो नर्वसनेस हो सकती है। पर जो चार्ट पैटर्न है ऊपर से जो बिकवाली हावी होती नजर आ रही है, तो मेरा मानना है कि आपको 11100 के लेवल्स सॉरी 11000 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए बुधवार गुरुवार के सेशन में। तो इस वीकली के एक्सपायरी के हिसाब से मेरा मानना है कि 11000 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने चाहिए। अब देखिए हीरो मोटो, आप नजर डालिए बजाज ऑटो पे और साथ ही साथ आप नजर डालिए आयशर पे। यहाँ आज आखिर में एक हरा निशान बनाने की कोशिश साफ तौर पे ट्रेडर्स की ओर से देखी जा रही है दशहरे के पहले, लेकिन इन चार्ट्स पे अगर आप नजर डालते हैं किरण, क्या वाकई एक मौका है? काफी लोग अपनी बाइक खरीदते हैं दशहरे के दिन, और 3 साल पहले मैंने भी जब नया स्कूटर खरीदा तो वो दशहरे के दिन ही खरीदा था। क्या उम्मीद आपको चार्ट्स पे कहीं नजर आती है कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हो पाएगा? बिल्कुल, सारे टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और मैं अभी रियलिटी कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे के लिए मैं कल रॉयल एनफील्ड की गाड़ी ले रहा हूँ। तो अगर मैं जब शोरूम में 4 दिन पहले गया था तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, थोड़ी सी पहचान लगाई तभी मुझे डिलीवरी मिल रही है। तो मेरा मानना है कि इधर एक आइशर मोटर पे रियलिटी से देखते हुए और चार्ट पे देखते हुए एक अच्छा सपोर्ट है करीबन 17600 के करीब, तो 17400 के स्टॉप लॉसेस के साथ ये लेना चाहिए। 19500 के लेवल्स आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ये रियलिटी चेकअप है, और जिस तरीके से हम चार्ट पैटर्न देखने के दोनों कॉम्बिनेशंस के ऊपर है, पर अगर बजाज ऑटो भी देखते हैं तो मेरा मानना है कि इधर भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है, और हीरो मोटो में भी अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। हीरो मोटो की बात करें तो हीरो मोटो में जो हमें पुल बैक देखने को मिल रहा है, उधर एक अच्छा सपोर्ट है करीबन 2635 के करीब, तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, और आप बुधवार गुरुवार को करीबन 2760 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इधर से करीबन 100 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। मेरी नजर अब पड़ रही है क्रॉम्पटन कंज्यूमर पे, और हम काफी सारे इन व्हाइट गुड कंपनीज की बात कर रहे थे, ये एक स्टॉक हमारी नजर में नहीं आया, लेकिन अब ये मेरी स्क्रीन पर आता हुआ 3.5% ऊपर, वॉल्यूम हालांकि थोड़े हल्के हैं, लेकिन चार्ट्स पे कोई मूव देख रहे हैं आप इस स्टॉक पे किरण, क्या कहेंगे? क्रॉम्पटन कंज्यूमर जी, इसमें मुझे अच्छा एक सेकेंड देना दो सौ पड़ेगा तिरपन रुपए 85 पैसे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के नाम से भी कहीं कहीं आपको शायद आपके यस यस चार्ट पे यस दिखता होगा। मिल गया मिल गया।
इसमें एक बहुत अच्छी मूव आई है और इधर मेरा स्टॉप लॉस अभी 248 के करीब रहेगा, सॉरी 246 के करीब रहना चाहिए स्टॉप लॉस आपका। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 270 275 के लेवल्स आपको अगले हफ्ते यानी सॉरी करंट हफ्ते में देखने को मिल जाने चाहिए। 276 278 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर के क्लोजिंग अगर मिलती है, वीकली क्लोजिंग मिलती है, तो एक नए दायरे में ट्रेड होता नजर आएगा। ये 300 के लेवल्स क्रॉस करते हुए बहुत बड़ी अपमूव दिलाता नजर आएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 277 280 जो कि क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। क्या बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट इस समय दिन के चार्ट पे आपको दिखाई दे रहा है, तो 270 280 की तरफ ये स्टॉक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर का एक स्टॉक जो आज काफी खबरों में था, सुबह से हमारी नजर बनी हुई थी, वो है रिलायंस निप्पॉन लाइफ। ये एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, दिन के हाई से करीब 7-8 रुपए नीचे आकर ये बंद होता हुआ दरअसल आज दिखाई दे रहा है। एक अहम अनाउंसमेंट यहाँ पर होती हुई नजर आई है कि अब इसका इसके नाम में से रिलायंस निकल जाने वाला है, केवल निप्पॉन बचेगा। और इसने दरअसल पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान अपना मार्केट शेयर लगातार गंवाया, क्योंकि एडीएजी ग्रुप को लेकर के जिस तरह से कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, और अब यह पूरी तरह से एक जापानीज प्रमोटर की कंपनी बन जाने वाली है निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। तो उसके चलते सुबह से यहाँ पर काफी उत्साह था, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इस चार्ट को किरण आप कैसे देख रहे हैं? हम इस पे तकरीबन 230-240 के आसपास से तेजी का कॉल ले रहे थे, तो हमने 10-12% के शानदार रिटर्न कमा लिए हैं। क्या मुनाफा लेने का मौका है या खड़े रहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि खड़ा रहना चाहिए, और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको 265 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए, और जिन्होंने शायद नहीं लिया है उनके लिए 290 लेवल है। 290 के ऊपर की क्लोजिंग की राह देखें, इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलेगी तब बाय करें, बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। ये जो अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक मल्टीपल टॉप लेवल्स 290 के करीब है, तो वो अगर क्रॉस कर दे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो एक बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेश पोजिशन 290 के ऊपर और जो लॉन्ग पोजिशन है 266 का स्टॉप लॉस। जी किरण जी, काफी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है हर एक फार्मा काउंटर में, और इसमें टोरेंट फार्मा भी शामिल है। कोई खास तो चार्ट में पैटर्न दिख नहीं रहा, लेकिन क्या आप इसमें कोई शॉर्ट कॉल प्रेस करेंगे? टोरेंट फार्मा में अभी नहीं, मैं राह देखूंगा शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए 1590 के नीचे की क्लोजिंग के लिए। आज भी 1590 के नीचे गया पर इमीडिएटली वापस एक बार बाउंस बैक देखने को मिला है, तो टोरेंट फार्मा में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें ये करंट 1590 के करीब हम अगस्त महीने में भी लो लगाया था, उधर से करीबन हम 1740 तक चले गए थे, तो ये कुल मिला के एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ये वायलेट होने के बाद ही आपको एक फ्रेश सेल पोजीशन लेनी चाहिए, अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में है। अच्छा, जस्ट डायल पर भी नजर डालिए, ये स्टॉक आज अपने 200 डीएमए के नीचे गया है और काफी अच्छी बिकवाली और ओपन इंटरेस्ट इसमें आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, इधर भी शॉर्ट पोजीशंस ही लेने चाहिए। एक बहुत बड़ी मूव हमने परसों के 17 शुक्रवार में देखने को मिली थी, उसके बाद एक साइडवेज जोन जाना लाजमी था और वही होता नजर आ रहा है, पर इवेंचुअली ये स्टॉक सेटल होगा करीबन 560 के करीब, तो मेरा मानना है कि इधर से डाउनसाइड काफी बड़ी है। शॉर्ट पोजीशंस के लिए आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 614 रुपए के करीब होना चाहिए।